टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। आदाब नमस्ते, मैं जफर खान, आप देख रहे हैं जेड डॉट टीवी। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय भीम। आज ही नॉमिनेशन डाले नामपेली कॉन्स्टिट्यूंसी में सीए आनंद कुमार गौड़ ने। लास्ट टाइम भी मैं इलेक्शन लड़ा था, थोड़े मेजोरिटी से चले गया। लास्ट टाइम मेरे को बहुत कम समय मिला, मेरे को उतनी टाइम नहीं मिलने से मैं काम नहीं कर सका। मगर इलेक्शन के बाद 5 साल मैं पब्लिक की खिदमत करते रहा। 5 साल में हर गली में, हर कूचे में, हर जगह पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम से पूरे सॉल्व करते गया। जहाँ तक मेरे से हो सकता मेरे से सॉल्व करा, उससे ज़्यादा मैं हमारे MLC प्रभाकर साहब के फंड को तकरीबन नामपेली में इस्तेमाल करा। पूरे रोड्स डलाया, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, पूरे भाई से मैं पूरा मदद लेके करा। उसके बाद और मेरे को फंड बसने हुआ तो हमारे महमूद अली साहब से और तलसानी साहब के मिनिस्टर कोटे में भी फंड लिया। उसी तरीके से मैं हमारे KTR साहब से भी जाके मदद मांग के मैं यहाँ पे मैम का MLA रहे बाद भी मैं फंड्स ला के डेवलप किया। अभी मेरे पास हमारे नामपेली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा कैडर 5 साल से काम कर रहा है। हर गली में, हर गुच्छे में, हर जगह मेरा कैडर है और मेरा कैडर हर एक के काम करता है। मेरा नामपेली में सुबान देखने के बाद जो ऑफिस है जो सुबह से शाम तक खुला रहता मेरे पास, वहाँ पे जॉब के काम करने के लिए पब्लिक के लिए वहाँ मेरा स्टाफ वगैरह सब रहता। मेरे को KCR साहब के पूरे स्कीम्स जो भी है, शादी मुबारक हो, आसरा पिंचिन हो, रहतु बंधु हो, रहतु बीमा हो, KCR किट हो, अभी आप मोटा चावल के बदले में बारीक चावल दे रहे हैं। माइनॉरिटियों के 204 स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स है, 114 वो SC ST BC OC के लिए भी स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल खोले, तो ओवरसीज जाने के लिए जैसा 20 लाख का स्कीम है। और अभी मेरे एरिया में एक नीलोफोर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एरिया हॉस्पिटल भी है। परसुमी हरीश राव साहब 30 करोड़ से रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर लगाए, जिससे कैंसर पेशेंटों को अच्छे से अच्छा इलाज मिल रहा है। तो आपको ये अपना हैदराबाद अभी एक 10 साल पहले कैसा था, ये कांग्रेस के हुकूमत में लाइट का परेशानी, पानी का परेशानी, कर्फ्यू का परेशानी, लोग बाहर निकले तो परेशानी, इतने परेशानियों से 10 साल में हमारे KCR साहब हुकूमत आए, जब से पूरा अमन शांति, गंगा जमुना की तहजीब। और देख लीजिए आप, अभी यहाँ पर क्रिसमस भी है और अपना रमज़ान है, बतकम्मा है, पूरे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पूरे गिफ्ट्स देते, गंगा जमुना की तहजीब है। आप 24 घंटे में कभी भी कौन से भी टाइम कोई भी लेडी कोई भी IT डिपार्टमेंट में काम करके फिर अपने घर को आराम से आ सकते, शी टीम से। तो अपना क्राइम रेट कितना कम हो गया वहाँ पर देख लीजिए। हम बंजारा हिल्स में पुलिस कमांड लगाए जिसमें लाखों कैमरे हैं, 24 घंटे में कोई गुनाह करा तो पकड़े आता। अपना पुलिस भी पूरे इंडिया में आज नंबर वन पे है, अपना स्टेट भी आज नंबर वन पे है। आप कौन से भी एंगल में देख लो, IT एंगल में देख लो, आज अपन बेंगलुरु को, पूना को, सबको बीट कर दिए। आप रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कौन से फील्ड में अपन डेवलप नहीं हुए सो नहीं है। अपना एक रोल मॉडल बन गया है, तेलंगाना पूरे इंडिया में एक रोल मॉडल बन गया। इसलिए पब्लिक क्या है, KCR साहब के स्कीम को आकर्षित होकर मेरे को बराबर जिताते। मेरे को पूरा भरोसा है कि अब के बार हमारा PRS का झंडा लहराएगा, क्योंकि हम पब्लिक के, गरीबों के दिल में बैठे सोए, उन लोग हमारे को बराबर जिताएंगे। साहब का कंपटीशन किससे इस बार? मेरा कंपटीशन, हमारा पार्टी का कंपटीशन सीधा MIM पार्टी से है जी। और MIM पार्टी के यहाँ के पुराने MLA साहब जो गए थे उन्होंने आज यहाँ नहीं है, अभी दूसरे MLA आ गए, उनका रिकॉर्ड थोड़ा पब्लिक को मालूम है, तो उनका रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा पक्का जीत आपकी तरफ से जीत। आप उनका रिकॉर्ड है, आप हमारे को पूछने से अच्छा आपकी तरफ से जितने स्कीम का नाम लिया, एक मिनट, जितने स्कीम का नाम आप बोले, जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिला, जो नीचे के इंक्वायरी के डिपार्टमेंट है वो गलत है, आप जो डबल बेडरूम का बोले वो टू, जिसकी 2 मंजिला बिल्डिंग है उसको मिला, स्कूल के कॉलेज के स्कॉलरशिप अभी तक पेंडिंग है। अभी आपको मैं इस पूरे सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आप 1 लाख हम लोग डबल बेडरूम बना चुके हैं, 1 लाख डबल बेडरूम हम ट्रांसपेरेंट, और वो भी
कंप्यूटराइज करके निकाले, उसमें कोई भी एमएलए का रहो कोई मिनिस्टर का किसी का उसमें रिकमेंड नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूट आप, सर आपका इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी जिसका उसका ही लक्की लॉटरी में नाम डाले उनको ही चाहा। आप एक आदमी को भी बता सकते कि इनके रिकमेंड से हमारे को डबल रिकमेंड की बात नहीं कर रहा सर, मैं रिकमेंड की बात नहीं कर रहा। बोलिए, जिसका दो मंजिल का बिल्डिंग है उसको अलॉट हुआ, जो झोपड़ी में रह रहा है वो आज भी झोपड़ी में है। नहीं, एक बात देखो, इनका जो भी वेरिफिकेशन हुआ ना गलत हुआ, वो वेरिफिकेशन के हिसाब से उनका नाम आया। ऐसा कैसे आ सकता है जिसका दो बिल्डिंग, दो फ्लोर का बिल्डिंग है, उसको गरीब कैसा दिखाया? लाख घर जब बांटे तो एक दो ऐसा होता, एक दो नहीं सर, बहुत सारे ऐसे। सर अभी आप बताए, हमारे अकाउंट से 3,30,000 वोटर है, जिसमें हमारे पास 277 बूथ से उसके अंदर इतने वोटर्स है। अभी पहले जो थोड़े वोट्स थे वो थोड़े डिलीट हुए, थोड़े ऐड हुए, अब के वेरिफिकेशन अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अच्छा होता सर, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के उसमें वेरिफिकेशन इंक्वायरी सही नहीं हो रही। वो स्कीम्स भी है ना, पूरे बिल्डिंग के टाइम पे पूरा सही होता। आप फेज वाइज मैनर में मिलेंगे। अब अपने घर में ही पांच घर में भाया रहते, पांच भाइयों को एक साथ अपन पूरे कपड़े एक साथ नहीं दिला सकते ना, कभी एक दो को दिलाते, कभी एक दो को दिलाते, पूरों को एक हिसाब से कपड़े नहीं दिला सकते। किसी को थोड़ा महंगा रहता, किसी को थोड़ा था। अपने माँ बाप ही इसमें चाहता हुआ बेटे को ज्यादा अच्छा देखता, नहीं चाहता बेटे को थोड़ा कम देखता। ऐसा ही गवर्नमेंट के अंदर भी क्या है, गवर्नमेंट को नजर में हर आदमी बराबर है। अब नीचे थोड़े बहुत ऑफिसर थोड़े बहुत गलती करते होंगे, मगर हर ऑफिसर गलती करता होकर मैं नहीं बोलता, वो थोड़ा बहुत होता, मगर उसको अपन 100% नहीं होते, क्योंकि हमारा तीसरी बार हुकूमत आ रहा, जो भी कुछ भी छोटा मोटा 19-20 कुछ नहीं हो सका था उसको भी पूरा फिल्टर करेंगे। जैसा कि सीएम साहब और असद साहब बारह प्रेस मीटों में बोल रहे, ओपन पब्लिक मीटिंग में बोल रहे कि मजलिस और बीआरएस मिलके, और आप बोल रहे कि आपका यहाँ पर मुकाबला एमआईएम से, बिल्कुल आप है ना, स्टेट वाइज देखे तो हमारा दोस्ताना असद भाई के साथ हमारे केसीआर साहब का है, मगर अगर हमारा मुकाबला नहीं रहता तो हमको खड़ा नहीं करते थे ना भाई, डायरेक्ट उन्होंने खड़े होते थे या हम खड़े होते थे, कहीं तो भी सीट एडजस्टमेंट है क्या? कहीं भी नहीं है। तो सर कहीं वोट वगैरह ऐसा कटाने के लिए तो नहीं ठहरा आपको? जरूरत क्या है बोलो भाई ना, जरूरत क्या है बोलो, किसी को क्या जरूरत है? मैं गए साहब कितने वोट लिया, उससे ज्यादा वोट लेता हूँ और जीत के आता हूँ। सर अभी आप इतने स्कीम्स बताए यहाँ पे, एक सेकंड, इतने स्कीम्स बताए, अगर आप जीत जाते हैं आगे चल के तो और क्या स्कीम्स लेकर आएंगे पब्लिक के लिए? मैं स्कीम्स नहीं लाता भाई, मेरा आपकी पार्टी हाई कमांड है। अभी देखो साहब, जो जो नहीं बोले वो पूरे करे, जो बोले वो तो कर दिए, जो स्कीम्स नहीं बोले पब्लिक में, पब्लिक नहीं पूछा, दलित बंधु नहीं पूछा, मगर दिए ना, हमारा मैनिफेस्टो भी है नया। अभी विकलांग लोग 6,000 रूपए हमारा स्कीम है, 3 साल से पेंशन पेंडिंग है, भारी चावल है, 3 साल से पेंशन पेंडिंग है, उसके लिए कुछ ना कुछ कॉलेज के स्कॉलरशिप पेंडिंग है, अभी फोन आया मेरे को। देखो भाई, उसके लिए कुछ कमी होंगी इनके एप्लीकेशन में, कुछ कमी होंगी उनका, कुछ कमी नहीं है। गवर्नमेंट से फंड नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं देते वो कॉलेज वाले। आप बराबर हमारे को लेके आके दो, हम आपका जो भी अगर पूरा फुलफिल रहेगा 100% करा। 2022 में क्लियर करे, जब सर्टिफिकेट पूछे तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया, फीस बंदो ले लो, ये बात बोल रहे हैं कॉलेज वाले। नहीं, वो तो क्या है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कॉलेज का, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को बदनाम करने भी बोलते हैं। ये सब क्या है भाई, लाखों लोग जब इतने स्कीमा दे रहे तो दो चार इधर उधर छोटा बहुत उनके फॉर्म्स में भरने में, उनके कुछ आप फॉर्म्स देने में गड़बड़ूंगा, उससे हटके कुछ भी नहीं रहता। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने पास क्लियर है। हमारा अभी क्या वर्किंग कैपिटल देखो आप कितना हो गया, पहले क्या था आज क्या है। आप अपने हाईटेक सिटी को जाइए, आप कैसा डेवलपमेंट है, अपने कितने लोगों को, कितने लोगों को, अपने कितने घरों में है, अपने जो भी बच्चे है कितने लोगों को अपने जॉब्स मिल रहे, पहले क्या जॉब्स थे आज क्या जॉब्स है। अभी देखो आप नीचे ऐसे लोगों को भी देखो आप, उन लोगों को भी कितने स्कीम लोन्स दे रहे, पूरे लोन्स दे के पूरे जरूरतमंद है उनको नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा कोई चीज, जरूरत नहीं मिल रही। आपका नाम पल्ली कॉन्स्टेंसी में रॉडिज्म ज्यादा है, अगर आप जीतेंगे तो उनको क्या करेंगे? देखो भाई, वो तो जहाँ काम लायन आर्डर का है, लायन आर्डर आपका है, लायन आर्डर हमारा है बोल के एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाना भाई, जीते तो 10 साल में चले जाता। हम जीते तो रोडिज्म रहेगा का, हम तो सीधे साधे आदमी है, आप सब मेरे साथ सीधे हो जाते हैं। थैंक यू सर। इलाके से हमारे बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार
सीएच आनंद कुमार साहब अभी जो है नॉमिनेशन यहाँ पे दाखिल किए, और आपको देखे कि नॉमिनेशन जो जुलूस निकला वहाँ पे लोगों में एक जोश और एक भरोसा दिख रहा था। ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आए और इसमें जो है उसके अंदर शिरकत की है। आप देखे कि आनंद कुमार गौड़ साहब जो है पिछले इलेक्शंस में वो हार गए, मगर वो जो है हमेशा आवाम के बीच में थे। अब दूसरे उम्मीदवार जो है, खासकर मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में बता रहा हूँ कि वो इलेक्शन जब भी आता तो वो जब भी उनका चेहरा दिखता है, उसके बाद में 5 साल तक उनका चेहरा दिखता नहीं, ना उनके लोगों का जो परेशानी दिखती नहीं, वो उनका जो है अपना जो है बिजनेस अपने लगावे रहते हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनके जो है सूरत दिखना। तो अब के जो है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो है काफ़ी लोग जो है हमारा जो 10 साल में जो तरक्की हुई उस पर, और खासकर नागे हमारे आनंद कुमार गौड़ को देख कर लोग जो है, और वो लोग डिसाइड भी कर लिए कि और इस बार जो है बीआरएस पार्टी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताने के लिए। तो हम लोग जो है जहाँ भी जा रहे तो वहाँ से लोग जो है अपने आप वॉलेंट्री आगे आते जा रहे और कह रहे कि हम बीआरएस पार्टी के साथ रहेंगे, हम जो है केसीआर साहब के साथ रहेंगे। तो इसलिए कि हमारे घर में शादी मुबारक मिला, हमारे घर में हमारा बेटा जो गरीब बेटा था, गरीब बाप था, उसका बेटा जो है आज अमेरिका में गया, उसको 20 लाख रुपए हमारे को हुकूमत की तरफ से मिली, और बोल रहे कि हमारे को डबल बेडरूम मिला, और बोल रहे कि हमारे को स्कॉलरशिप मिला। इस तरीके से हर घर में जहाँ भी जाए जो लोग खुश है, तो लोग ये कह रहे कि हमारे पास एक गरीब के पास एक हथियार एक वोट ही है, क्योंकि गरीब के पास वोट के सिवा और कोई हथियार नहीं। तो वो सही इस्तेमाल करने वाले हैं, इस बार सही उम्मीदवार को जिताने वाले हैं और सही पार्टी को जिताने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, जेड नाउ टीवी यही सच है।